today we are going to start new chapter, which is comparing quantities. It's 8th chapter in your book, right? Comparing quantities. Pragya, tell me how many topics we will cover in this chapter. हम यह क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो, समझ नहीं आया बोल क्या रहे हो। How many topics we will cover in this chapter? हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हाफ ईयरली और एनुअली निकालने का डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिक्रीज है, डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट भी होगा, वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स होगा, है ना? ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, जीएसटी तो नहीं है ना तुम लोगों में? चेक करती हूँ, याद नहीं। जीएसटी में भी अभी आईसीएससी में आ गया था नया, तुम लोग भी चेक कर लो अगर न्यू पैटर्न की तुम लोग की अभी बुक होगी। सो मे बी हो सकता है क्योंकि जीएसटी ऐड हो गया था। हम सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स है, जीएसटी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। सो परसेंटेज अगर मैं बात करूं, जो आपका सबसे बेसिक सा एक पॉइंट है जो तुम लोगों को आराम से आता है, परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज मींस क्या होता है? पर आउट ऑफ 100 पर 100। तो पर मतलब हम ओवर लगते हैं ना, लाइक 95 ओवर 100 ऐसे करके, ठीक है? पर 100 तो हम अपॉन में लिखते हैं, बस उस नंबर से हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है? तो लाइक अगर आपको निकालना है, मैं अगर यहाँ पे वन लाइन में बताऊं कि परसेंटेज को हम कैसे लिखेंगे, तो फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? मैम आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? हाँ, हो नहीं रहे। एक सेकंड, इधर से मैंने शेयर नहीं की। परसेंटेज इज द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर हंड्रेड, राइट? ये क्लियर है ना? यस मैम। अब अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वर्ट कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, आपको एक परसेंटेज दे दिया गया, नाउ आई जस्ट वॉन्ट कि यू चेंज इन फ्रैक्शन इंटू अ फ्रैक्शन। सो वॉट वी शुड टू डू हियर, सो फर्स्ट सबसे पहले आप लिखो, जैसे आप, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 20%। सो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ये परसेंट कहाँ पे आएगा? इन डिनोमिनेटर। सो 20/100, इट मींस योर फ्रैक्शन इज व्हाट? 2/10, 1/5, राइट? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योर परसेंट इन फ्रैक्शन। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. हाँ गौरी, आप भी आंसर करना बेटा। अभी अगर कन्वर्टिंग हमें क्या करना है, कन्वर्ट, सो कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज, सो वी शुड मल्टीप्लाई विद द 100 विद आवर फ्रैक्शन, ओके? अभी क्या करना है, अभी हमें फ्रैक्शन, देखो आप यहाँ पे करते हो बच्चे, पर इसका क्या मतलब होता है, परसेंटेज मतलब पर 100। तो अब जैसे आपको यहाँ पे भी करना है, परसेंटेज इसका निकालना है, 20/ इसका परसेंटेज, तो पर 100 यानी इसके आप अपॉन में 100 लिखोगे, तो ये 100 मतलब पर 100 यानी 1/100 आ जाएगा यहाँ पे। देखो 1/100 पर 100 का मतलब यही होगा ना, 100 मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा 3/25,
तभी हम लोग लिखते हैं कि जब आप उसमें चेंज करते हो तो मल्टीप्लाई विद 100. सो 24 4 टाइम्स 100 हो जाएगा, यानी 34%. ए 34 देखो मैं लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई करना 12%. ठीक है, इज दिस क्लियर? यस मैम, यस मैम. तो आपने देखा यहाँ पे जब हमने किसी परसेंटेज था और हमें फ्रैक्शन में चेंज करना था तो हमने 1/100 में लिखा, तो वो 20/100 हो गया. अब फ्रैक्शन का के में आप 1/100 में लिखोगे तो वो मल्टीप्लाई होकर न्यूमिनेटर में आ जाएगा. तभी हम बोलते हैं जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर रहे होते हो यू शुड मल्टीप्लाई विद 100, एंड व्हेन यू आर चेंजिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन देन यू शुड डिवाइड विद 100. क्लियर? ये तो सिंपल सी चीज थी, सिंपल सी चीज थी ना. अब अगर कन्वर्ट करना है, ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, बस मैं एक लाइन में अभी इसको जल्दी से कंप्लीट करती हूँ. कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इन रेशियो, परसेंटेज इन टू अ रेशियो. तो आप बताओ रेशियो क्या आएगा यहाँ पे. इफ आई एम राइटिंग हियर 66/2/3%, एंड व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दिस? Just answer me. What will be the ratio? गौरी यू विल आंसर मी फर्स्ट. What is the answer, beta? Why are you taking so much time? A simple question. Pragya? Yes, ma'am. Ma'am, is it 2:3? Shubhangi, what's your ratio? Ma'am, mera bhi wahi. Gauri, and what? What is your ratio? Gauri is in the meeting or not? Yes, ma'am. Gauri, why are you not answering me? Okay, so your answer is correct. So the ratio will be 2:3. It's okay? समझ आ गया ये चीज? Yes, ma'am. Now, अगर आपको कन्वर्ट करना हो, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज, ये बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं. आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ही इजी सा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको ये सारा कुछ अच्छे से कर पा रहे हो, देन आप आगे चैप्टर में जो पढ़ोगे पे आप क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर लोगे. और क्या करोगे, देखो इजिली सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी. अब जैसे अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू आपको डेसिमल. सो लाइक मैंने 78.5% आपको दे दिया, देन इसका डेसिमल क्या होगा? 785/10. 785/10, बट यहाँ पे परसेंट लगा हुआ है.
लिखेंगे क्योंकि हमने परसेंट को पर हंड्रेड में चेंज कर लिया. अब इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे सो 78 मतलब 785 अपॉन 1000 हो जाएगा. एंड अगेन वी विल राइट 0.785 इज अवर फ्रैक्शन इज अवर डेसिमल नंबर. इज दिस क्लियर? यस मैम. गुड. मैम जो हमने 785 अपॉन 1000 लिखा है वो हमने जो पिछला फ्रैक्शन लिखा उसका डेसिमल पॉइंट हटाकर वो एक एक्स्ट्रा जीरो लगाया ना हमने. हाँ हाँ उसका हटाया हमने. देखो कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर अभी हमने परसेंट से डेसिमल में चेंज किया अब हम डेसिमल से परसेंट में चेंज करेंगे इनटू अ परसेंटेज. सो क्या करना है 0.026 इज इक्वल टू व्हाट वी विल डू हियर 0.026 वी शुड मल्टीप्लाई विद 100 बिकॉज वी आर चेंजिंग इन परसेंटेज राइट. सो वी शुड मल्टीप्लाई अगेन वी कैन राइट 26 अपॉन 1000 इनटू 100. सो we can cancel this and our decimal number yeah our percentage will be 2.6%. is this clear? Yes ma'am. It's yes, so ma'am. Simple I think. Gauri beta samajh aa raha hai jo hum pad rahe hain? Ha we disconnect ho gayi thi. Acha to humne jo bhi padha wo samajh aaya na abhi aapko? अब नेक्स्ट क्या आ जाता है बेटा? टॉपिक मतलब टॉपिक क्या नेक्स्ट हमारे जो मेन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है. लाइक अब आपको कोई क्वांटिटी दी गई है हाँ, उसका परसेंट निकालना है. सो हमने क्या यहाँ पे लिखा फाइंडिंग अ परसेंटेज परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी. अब परसेंटेज निकालना है हमें कोई क्वांटिटी गिवन है उसका जैसे आपके मार्क्स गिवन है आपको परसेंट निकालना है एंड सो ऑन. अब अभी कभी कभी दिया जाता है ना हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा 95 है उसका 5% कितना हुआ है ना ऐसे बोलेंगे ना या 200 है उसका 80% कितना हुआ. तो आप कैसे सॉल्व करोगे एक नंबर का परसेंट निकालना है इतना परसेंट निकालो राइट. अभी हम डायरेक्ट सिर्फ उस पर्टिकुलर नंबर को परसेंट में चेंज कर रहे थे मतलब 95 को परसेंट में लिखना है तो हमने क्या किया फिर उसके बाद हमें और भी चीजें जो भी हमें गिवन थी ये परसेंट में गिवन था उसको हमें एक सिंपल नंबर में लिखना था तो हम कर रहे थे. अभी एक नंबर को किस परसेंट में चेंज करना है ये हम सीखेंगे. समझ आ रही है बात प्रज्ञा शुभांगी गौरी? यस मैम. तो अब अगर मेरे को x परसेंट x कोई भी नंबर हो सकता है x इज अ वेरिएबल बिकॉज x चेंज होता रहेगा. आपकी क्वांटिटी सेम रहे हो सकती है पर x आपका चेंज होता रहेगा. सेम क्वांटिटी का आप 12% निकालोगे सेम क्वांटिटी का आप 20% निकालोगे है ना. 100 आपके फिक्स मार्क्स होते हैं ना उसी में आपके सबके अलग अलग मार्क्स आते हैं ना किसी के 85% किसी के 95%. सो परसेंट इज अ चेंज आपका वो चेंज हो रहा है ना. सो वी विल या ठीक है एक्स परसेंट ये ठीक है ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इज इक्वल टू कैसे होगा फिर एक्स का परसेंट क्या हो जाएगा पर हंड्रेड यानी इक्वल में क्या लिखेंगे एक्स अपॉन पर हंड्रेड इनटू मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा. यस मैम. गिवन क्वांटिटी. तो अभी अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया लाइक एग्जांपल हमने लिया 75% ऑफ 12 यानी 12 का इसी को आप ऐसे उल्टा पढ़ोगे ना 12 का 75% आपको निकालना है. सो क्या करना है
कितना परसेंट निकालना है? 75, तो 75 अपॉन 100 कितने का निकालना है? 12 का. सो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3 टाइम्स 25 से कैंसिल करो, 3 अपॉन 4, 4 मल्टीप्लाई विद, मतलब इससे कैंसिल होगा 3 टाइम्स क्या, यानी 9%. 9 आ गया आपका. यस मैम. क्लियर? यस मैम. अब 14% ऑफ 14% ऑफ 75 रुपीस का क्या होगा? मेरा आंसर फ्रैक्शंस में आ रहा है क्या? वो मैम, मेरा आंसर फ्रैक्शंस में आ रहा है. फ्रैक्शन, उसको फ्रैक्शन को आप डेसिमल में चेंज कर लो, क्योंकि मनी है तो मनी तो आपका ऐसे भी हो सकता है ना डेसिमल पॉइंट. मैम इज इट 10.5? यस मैम, मेरा भी 10.5 है. 10.50 लिख दो उसको रुपीज. ठीक है, सो योर आंसर इज करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज रुपीज 10.50. ठीक है. यस मैम. द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर यू, फाइंड 3 1/8% ऑफ 75 kg. कितना होगा? मैम मैंने कर लिया. व्हाट इज द आंसर? 37.5. यस मैम. Let me check what is the correct answer.
The answer is 2.34. Yes, ma'am. मेरे लिए भी वही आंसर आ रहा है. मैम फिर मैंने क्या गलत करा? What is your simple fraction? Is 25 upon 8? When you multiply 20 upon 8 with, so you will write here 25 upon 8 and divided by 8, divided by 100 and multiply with 75. So this become 25 upon 8 into 100 and 4 times cancel karoge. Yes, now समझ आ गया मैंने क्या बोला था. 75 upon 32. When you multiply with this, then you will get 2.34 as your answer. Yes, समझ आ गया मैंने क्या बोला. मैम इसके अंदर हमें 25 upon 8 upon 100 लिखना जरूरी है, फिर हम सिर्फ 25 upon 8 into 1 upon 100 लिख सकते हो. 1 upon 100 तो फिर वो multiply में हो जाएगा ना. नो मैम, लेकिन अगर हम 25 ऐसे बोल रहे हो ऐसे. यस मैम. हाँ, इज दिस करेक्ट? मेरे को लगा तुमने बोला 25.8 और फिर 100. नो मैम. हाँ, वो तो सही है. ओके मैम. यस मैम, मुझे समझ आ गया. गौरी क्लियर बेटा? यस मैम. गुड. सो अभी आपने देख लिया, लाइक मैंने ये बोला कि सो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है. जितना मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे आपको उतना ही ज्यादा अच्छे से आएगा, टॉपिक क्लियर होगा. 72% of 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ. In math, how many are not good in maths? Batao. In mathematics. मैम हो गया? हो गया? यस मैम. गुड. क्या है आंसर? मैम 7 स्टूडेंट्स. राइट. गुड. पहले कितने अच्छे हैं वो निकाला होगा तुमने. मैम मैंने 100 में से 72 सब्ट्रैक्ट करा, क्योंकि 100% स्टूडेंट्स होंगे तो बाकी के जो रिमेनिंग है वो नॉट गुड एट मैथ्स. सो फिर मैम मैंने निकाला 100 minus 72 equals to 28. फिर मैंने 28 upon 100 into 25 करा, फिर वो आ गया 7. ओके. Yes, ma'am. Same answer, ma'am. 7. तुम लोगों ने भी जो किया वो भी बिल्कुल सही था. और अगर if you want then you can आपको यहाँ पे दिया 72. आपको टोटल निकालना है. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 25 का 72% बच्चे को मैथ्स पसंद है और बाकी को नहीं पसंद, यानी 28% बच्चे को. सो अगर हमने वो निकालिया, लाइक हमने 72 upon 100 into 25 ये निकाल लिया कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पसंद है. सो इसको सिंप्लीफाई करोगे इट्स 4 और ये आपका 8 आ गया. 8 आ जाएगा ना. यस मैम. सो
सो ये 18 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी 18 स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स मैथ्स ठीक है हमने लिख दिया. फिर इसके बाद अब यहाँ पे लाइक लिख दो ज्यादा सही लगेगा है ना. और फिर इसके बाद अभी हमने क्या करना है अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 25 एंड गुड इन मैथ्स 18 ठीक है. अब नॉट गुड 100 माइनस 72 25 माइनस 18 इज इक्वल टू 7 स्टूडेंट्स. हम ऐसे रुके क्यों हैं? क्लियर ओके. सो नेक्स्ट है क्या अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा ये बेटा ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी ये नोट्स पर आ लेना जरूर से ठीक है. मैं भी साथ साथ बना रही हूँ. गुड. एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एस पर्सन टीज ऑफ अदर क्वांटिटी मतलब एक क्वांटिटी के को हमें दूसरी क्वांटिटी के परसेंट में चेंज करना है ठीक है. अब देखते हैं क्या मतलब है इसका. लाइक मैंने आपको बोला कि आपके पास कोई चीज है आपको उसके उसको लाइक मैंने जैसे बोला कुछ भी ले लेते हैं हम कोई भी जैसे आपके पास कुछ केजी की कोई चीज है आपको उसी को दूसरे केजी लाइक आपके पास 150 केजी की कोई चीज है और मैं आपको बोल दूं कि वो उसको आप 6 केजी के परसेंट में चेंज करो 20 केजी के परसेंट में चेंज करो इस तरीके से तो आपको वो निकालना. इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा यहाँ पे जो हमें क्वांटिटी निकालनी है लाइक हमने क्या कर लिया टू एक्सप्रेस एक्स कोई भी हमारी क्वांटिटी है जिसके में निकालना है एज अ परसेंटेज ऑफ वाई
ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाई, देन उसका परसेंट निकालना है, तो फिर हमें क्या करना होगा, देन परसेंट परसेंटेज इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, टू एक्सप्रेस एक्स एज अ परसेंट ऑफ वाई कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताओ मुझे, अपने मन से बताना है। देखो 95 का अभी परसेंट निकालना होता था, तो हम 90 अपॉन हमें क्या करना होता था, जैसे आपको दिया हुआ है तो अपॉन 100 करते थे, पर 100। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे y परसेंट आपको करना है, तो x अपॉन, अगर आप ऐसे लिखोगे y परसेंट, इस परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100, सो यानी क्या हो जाएगा, x अपॉन y इंटू 100 और ये परसेंट। इज दिस क्लियर? ओके मैम। यस मैम, समझ आ गया बात? यस मैम। x का आपने y परसेंट निकाला, अब y का जो परसेंट है वो तो उसके पर 100 में आएगा ना, नीचे वो ऊपर जाएगा, तो कहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद x अपॉन y। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, x अपॉन y इनटू 100 जो भी आएगा वो आपका परसेंट होगा। ठीक है, ये क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? यस मैम। गौरी की आवाज तो आई ही रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ये। अब सेकंड सेम इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आपको क्या करना है, फाइंडिंग ऑफ क्वांटिटी, फाइंडिंग क्वांटिटी हुज परसेंटेज इज गिवन। अब आपको अभी परसेंटेज, अब आपको परसेंटेज दे देंगे, परसेंटेज दे देंगे, फिर आपसे बोलेंगे अब आपको फाइंड करो। लाइक आपको x परसेंट ऑफ एनी क्वांटिटी दे दिया गया और आपको निकालना है कि क्वांटिटी क्या है वो। सो सबसे पहले क्या करेंगे, x परसेंट, लाइक x परसेंट निकालना है, x परसेंट हमें जो गिवन है, x परसेंट ऑफ अ क्वांटिटी, क्वांटिटी जो क्या दी हुई है हमारा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम किसका निकाल रहे हैं, अभी हम किसका निकाल रहे थे, अभी हम क्वांटिटी का कुछ परसेंट निकाल रहे थे। बच्चे ऐसे समझे, जैसे मैंने आपको दिया आपके पास 20 फ्रूट है, अब मैंने बोला 20 फ्रूट का 5% कितना होगा, ठीक है, 20 इज अ क्वांटिटी एंड उस एक क्वांटिटी का एक अलग हम परसेंट निकाल रहे हैं, परसेंट क्वांटिटी निकाल रहे, तो वो वाई, तो आपने कैसे किया, एक्स अपॉन क्या किया था, एक्स अपॉन फाइव, जैसे जो भी आपका दिया हुआ है, फाइव इंटू हंड्रेड आपने कर दिया, निकाल लिया कितना परसेंट आ गया, समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि लाइक आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स परसेंट ऑफ क्वांटिटी वाई, यानी इस बार अभी हमें आपको परसेंटेज बताना था कि कितना होगा, अब आपको दे रखा है ऑलरेडी उन्होंने परसेंटेज, आपको क्वांटिटी बतानी है कितनी होगी। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाई अपनी क्वांटिटी का परसेंट निकाल रहा है, तो किसको किससे कंपेयर करना होगा, क्वांटिटी का निकाल रहा है तो वाई हमारी क्वांटिटी है और उसका कितना परसेंट निकाल रहा है, एक्स परसेंट, x परसेंट निकाल रहा है ना, सो y अपॉन क्या हो जाएगा, x इंटू 100। सेम चीज बस यहाँ पे क्या हो गया, जस्ट चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, जस्ट चेंज हो गया, ये क्लियर है नहीं? मैम मुझे समझ नहीं आया। देखो क्या नहीं समझ आया पहले ये बताओ।
मैम कि आपने यहाँ पे y अपॉन x परसेंट क्यों लिखा है? क्योंकि इस बार हमें बेटा x परसेंट दे रखा है उन्होंने, x परसेंट ऑफ, जैसे अगर यहाँ पे क्या हेडिंग पड़ी है, फाइंडिंग ऑफ क्वांटिटी हुज परसेंट इज गिवन, हुज परसेंट इज गिवन। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझाऊं, यहाँ पे हमें दोनों क्वांटिटी ही दी हुई है, यहाँ पे हमारा x और y में कुछ परसेंट नहीं है, x भी क्वांटिटी है, y भी एक क्वांटिटी है। Yes, ma'am. और यहाँ पे हमें एक परसेंट दिया है हमारी क्वांटिटी का, अब उसको बस चेंज करके हमें दूसरी जो क्वांटिटी फॉर्म होगी उतना परसेंट निकालने के बाद वो हमें निकालना है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे लाइक मैंने आपको दे दिया, तो जैसे एग्जाम्पल 150 ग्राम ऑफ अ परसेंटेज ऑफ 6 kg। अब यहाँ पे क्या दिया है बेटा मैंने, 150 ग्राम इज अ क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ 6 kg, 6 kg के परसेंट पे निकालना है आपको 6 kg। तो पहले तो यहाँ पे हमें क्या इक्वल करना होगा, हमें अपनी यूनिट्स इक्वल करनी होगी, क्योंकि कंपेयर आप तभी करते हो जब यूनिट सेम होती है। कंपेयरिंग में हमेशा यूनिट का याद रखना, कभी भी कोई सेंटीमीटर मीटर में कंपेयर मत करना, क्योंकि कंपेयर हम इक्वल चीजों को करते हैं ना, अनइक्वल चीजें तो वैसे ही एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। तो पहले यूनिट सेम करो, सो पहले आप इसको 6 kg को भी ग्राम में चेंज कर लो, तो 6 kg इज इक्वल टू 6000 ग्राम, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब बेटा हमें क्या बताना है बताओ। देखो 150 जो है, 150 को हमें चेंज करना है 6 में, सो कौन हमारा x हुआ कौन हमारा y हुआ बताओ जल्दी से। 150 को हमें निकालना है ना कुछ 6% के समथिंग। यस मैम, है ना, तो हम तो 150 हमारा यहाँ पर x होएगा और 6000 ग्राम y। गुड, अब 6% तो ये मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, यानी हम इसको कैसे लिख लेंगे 6 into, मतलब यहाँ पे 6 नहीं था, 6000 था, into 100, ठीक है। सो व्हेन यू सिंपलीफाई दिस, सो दिस कैंसिल दिस फ्रॉम दिस, सो योर नंबर विल बी 15/6 एंड 5/2, और आप लिख सकते हो 2.5%। यस मैम, यस मैम, हमने क्या किया, हमने अपनी गिवन क्वांटिटी जिसको चेंज करना है हमने वो ले लिया। अब क्या करना है, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल मैं दूं, 30 seconds as a percentage of 8 minutes, जल्दी से डू इट फास्ट। I'm 30 है, 36 है, 36 मैम, डन डन, व्हाट्स योर आंसर? आई एम 7.5%। गुड, 7.5% इज द करेक्ट आंसर। 36 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका, सेकंड में चेंज करोगे
5%. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेकंड था कि जब हमें परसेंट गिवन होगा तब फिर कैसे आएगा. जैसे अब देखो मैं एक सेकंड बताती हूँ एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल लाइक इफ 9.5% ऑफ अ नंबर इज 76, फाइंड द नंबर. Now you got it? Yes, ma'am. What I want to say. You yes, now you ma'am. Have 9.5% of a number is 76. किसी number का किसी quantity का 9.5% 76 है. अब आपको बताना है कि वो actual में number क्या था. This time you don't know what is the x. मैम लेकिन इसके अंदर x 9.5 नहीं है परसेंट. नहीं, x is the quantity and this is the percent. This is the simple question. Now I don't know, like let x is the quantity. X is the quantity जो या x is the number number. Then इसी number का 9.5% is equal to 76. Okay, so ma'am. X into 9.5 upon 100 is equal to 76. Yes. When you multiply, yani this become 1000, and X is equal to 76 into 1000 upon 95. अब बता दो ये this is equal to. What is your answer? 800. Good. 800 is the correct answer. So your required number is 800. Now got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Gauri, bit of clear? Yes, ma'am. Huh? Yes, ma'am. Are you enjoying the class or not? All of you. I'm asking this question to all of you. Yes. Ma'am, आप एक बार y upon x percent के कोई example दे सकते हैं कि मुझे इसमें confusion है. Okay. Y upon x मुझे अभी मिलेगा तो फिर मैं देखती. ओके मैम ठीक है. अभी हम एक्सरसाइज भी करेंगे तो उसपे हो जाएगा, मिल जाएगा आपको. ओके मैम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इन क्लास 8 ऑफ अ स्कूल गर्ल्स are 60% of the total number
of students if there are 18 girls, there are 18 girls in the class, then find the total number of student and number of boys in the class. Do it fast. This is the last portion of today's class. So this do it fast, and then next topic we will discuss tomorrow at 12 a.m. Okay. Ma'am, done. Done? Yes, ma'am. What's your answer? Ma'am, there are 12 boys, 18 girls, and the total strength is 30. Okay, wow, great. So the number of boys are 12. Any boys are 12, and total number of students? 30. Yes, ma'am. Equal to 30. Gauri, is this your answer? Yes, ma'am. Awesome. You are, all of you are doing good. Okay then, फिर मैं बाकी के कुछ इसी से रिलेटेड या इसी से एक्सरसाइज मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी बेटा, ट्राई करना सॉल्व करने की, और या फिर मैं उसी की भेज दूं जो आप लोगों ने मेंसुरेशन की है, उसकी एक और वर्कशीट है। होमवर्क में तुम लोग अभी वही कर लो, क्योंकि आज हमने इतना नहीं किया है, कल की क्लास के बाद भेज दूंगी इस टॉपिक पे वो, ठीक है? ओके मैम, आज की क्लास में मैं वही वर्कशीट सेंड कर दूंगी। एक और जो थर्ड लेवल की थी वो कर लेना तुम लोग, और उसके क्वेश्चंस होते हैं तो हम डाउट डिस्कस कर लेंगे दिस वीक। कल मैथ्स का टेस्ट है, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, तो आप लोग पढ़ लेना उसको अच्छे से, ठीक है? यस मैम। ओके देन, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय। बाय।